पादरीगंज डिपो विवाद के बाद परिवर्तन नहीं होने का मंत्री कावरे ने दिया आदेश। आयुष मंत्री रामकिशोर नानो कावरे ने कहा कि परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत पादरीगंज में स्थित वन विकास निगम के बस डिपो को कनकी स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। कुछ स्वार्थी तत्व मजदूरों को गुमराह कर राजनीति रोटी सेक रहे हैं। श्री मंत्री कावरे ने कहा कि उन्होंने प्रबंधक संचालक को इस पद संबंध में पत्र लिखा है कि उनकी संचालक से बात हो चुकी है, जिससे पूरी तरह से वह आश्वस्त है। मजदूर किसी के बहकावे में न आए, उनकी रोजी रोटी पर किसी प्रकार का संकट मंडराने नहीं दिया जाएगा। श्री मंत्री कावरे ने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में मजदूरों का हक नहीं मारा जाएगा। बास डिपो 1975 से संचालित है, जो आगे तक संचालित रहेगा। वहीं श्री मंत्री कावरे ने हड़ताली मजदूरों से वीडियो कॉलिंग के माध्यम से चर्चा कर उन्हें इस बात का संतुष्ट किया। इधर श्री मंत्री कावरे ने वन विकास निगम के संभागीय प्रबंधक यौं एसडीओ को अपने कार्यालय तलब कर पूरे मामले में विभाग की ओर से अपना पक्ष रखने का, यौं हड़ताली मजदूरों को संतुष्ट करने कहा। वहीं इसी दौरान संभागीय प्रबंधक ने मंत्री जी से चर्चा के दौरान आश्वस्त किया कि उपरोक्त डिपो हटाया नहीं जा रहा है, केवल सागौन की लकड़ी के परिवहन की व्यवस्था कनकी की जानी थी। जारी वीडियो संदेश में संभागीय प्रबंधक ने कहा कि मंत्री जी के निर्देश प्राप्त होने के पश्चात उनके भी टेंडर निरस्त कर दिए जाएंगे। मजदूर किसी के बहकावे में न आए और शांतिपूर्वक अपनी हड़ताल समाप्त करें। उपरोक्त डिपो हर हाल में पादरीगंज में संचालित होगा। वीडियो भी आपके पास में भेजूंगा मैं आपका। हाँ, ये उन्होंने जो गर्रा के लिए किए थे अपना परिवहन के लिए, आज मैंने निर्देश दिया हूँ कि अब वो गर्रा का आदेश निरस्त करेंगे और लगेगा टेंडर का, है ना। और अब आपका लकड़ी भी यहीं पर इसी डिपो में आएगा और सारी चीज यहीं आएगी, कहीं पर भी डिपो नहीं हटेगा। मैंने अभी डीएफओ को बोला और एमडी को भी बोल दिया हूँ, कहीं नहीं हटेगा, ये मेरी जवाबदारी है ना। आप किसी के गलत फहमी में मत रहो, मैं सरकार हूँ, सरकार के तरफ से पत्र जारी किया हूँ, सारा चीज है। पहले उनका ऐसा था कि पिछले बार कुछ आग वाग लगी तो उन्होंने प्लान किया था कि इस बार वहां पे करेंगे, कहां पे, गर्रा में। तो गर्रा में सबको आपत करना पड़ेगा। जो पादरीगंज डिपो में सागौन लकड़ियों को हम लोग कनकी लेके जा रहे थे, तो गांव वालों से कल मेरी चर्चा भी हुई, अभी माननीय मंत्री जी से भी मेरी चर्चा हुई है। तो हम लोग ना तो वो डिपो बंद कर रहे हैं, ना ही उसको कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं। जो लकड़ियों को हम दूसरे डिपो में भेज रहे थे, उसको हम टेंडर निरस्त करके वहीं पर वापस भेजने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। मुख्यालय स्तर से भी कार्रवाई चल रही है और डिपो वहीं रहेगा। जिनको मिला हुआ है उनका रोजगार भी प्रभावित नहीं हुआ।